तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक और बड़ा दांव खेला है, जिसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। क्या है ये मास्टर स्ट्रोक, समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का में लीडर ऑफ अपोजिशन माता प्रसाद पांडे बनाए गए हैं। 81 साल के हैं, बुजुर्ग नेता हैं, दो बार स्पीकर रह चुके हैं, ब्राह्मण हैं। अब ये दाव अखिलेश यादव ने क्यों खेला है, ये बड़ा मजेदार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर दबाव था कि जो चाचा है शिवपाल यादव को बनाया जाए, लोकसभा LOP बनाया जाए, लेकिन अखिलेश को लगा कि ऐसा अगर वो LOP बनाएंगे तो दो पावर सेंटर हो जाएंगे, दो पावर सेंटर से वो बचना चाहते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ये दाव इसलिए खेला क्योंकि मनोज कुमार पांडे, ब्राह्मणों के बड़े नेता जो चीफ व्हिप हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया था तो उसकी वो भरपाई करना चाहते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रयोग किए और गैर यादवों को ज्यादा मात्रा में टिकट दिए, उनको आकर्षित करने की कोशिश की, तो BJP से सवर्ण वोट बैंक में से कुछ हिस्सा छीन लेने की कोशिश है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ब्राह्मण राजपूत मुख्यमंत्री के साथ नहीं जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ 16% वोट सवर्ण जातियों का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिला था, जिसमें भी एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के कारण मिला था, ऐसा मोटे तौर पर कहा जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव PDA का विस्तार करना चाहते हैं। PDA बनाया उन्होंने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन उनको लगता है कि ए से अल्पसंख्यक में काम नहीं चलेगा, ए का और विस्तार करना है। यानी पिछड़ा दलित तो सही है, ए से अल्पसंख्यक भी हों, ए से आधी आबादी यानी महिला भी हों, ए से अगड़ा वर्ग भी हो, तो वोट बैंक का विस्तार हो जाएगा, इसलिए ये खेल खेला गया है। हालांकि चलिए इस पर मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन पहले एक चीज और खबर दे दूं आपको। चीफ व्हिप कमाल अख्तर को बनाया गया है जो मुसलमान है। इसी तरह एक कुर्मी नेता को डिप्टी चीफ व्हिप बनाया गया है, उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। तो कुर्मी वोट बड़ी संख्या में पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश के पास आया था, तो उसका मान सम्मान किया गया है। और BJP और NDA के जो साथी कुर्मी नेता हैं, उनको थोड़ा कट टू साइज करने की कोशिश इस बहाने की जा रही है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी कहलाए। कुल मिलाकर ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि यादव यानी फिर ये आते हैं तो गुंडागिर्दी करते हैं, शोर शराबा करते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं, पुलिस की मानते नहीं है, ये एक नैरेटिव सा बन गया था यादवों को लेकर। तो उसको भ्रांति को तोड़ना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत, जिसका सिलसिला लोकसभा चुनाव में शुरू किया था, जिसमें उनको आशातीत सफलता हासिल हुई, तो उसका विस्तार कर रहे हैं। अखिलेश को लग रहा है कि जब एक चीज उनकी चल गई, बाजार में सिक्का चल गया, तो और सिक्के ऐसे उछालते रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे यानी सवर्ण जाति एक ब्राह्मण को LOP बनाना एक राजनीतिक मजबूरी भी है। क्यों है राजनीतिक मजबूरी? क्योंकि एक वक्त क्या होता था, जब कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ती थी, तो ऐसे में 30, 31, 32% वोट लेकर आप सत्ता में आ जाते थे। खुद अखिलेश भी आए, मायावती भी आई, लेकिन अब उसमें होता क्या था कि एक तो आपको जो आपकी पार्टी का जो आधार वोट है, बेस वोट है, वो मिल जाया करता था। दूसरा, जिस जाति विशेष के उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाता था, वो उस जाति विशेष का वोट ले लेता था, अधिकांश वोट ले लेता था। तीसरा, फ्लोटिंग वोटर थोड़ा बहुत साथ आ जाता था। चौथा, थोड़ी बहुत सोशल इंजीनियरिंग इस हिसाब से की जाती थी कि विपक्ष ने जो जिस जाति का उम्मीदवार को टिकट दिया है उसको नहीं दिया जाए टिकट, या निर्दलीय जो विपक्ष का उम्मीदवार है वैसा उतार दिया जाए। लेकिन अब ये कहानी बदल गई, बदल रही है, क्योंकि अब बाइपोलर हो गया है। अब पूरे देश भर में धीरे धीरे थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, इसकी जगह नहीं बची है, निर्दलियों की जगह बची नहीं है। बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। अब चुनाव बाइपोलर हो गया है, एक तरफ NDA नाम का एक बड़ा धड़ा है, दूसरी तरफ इंडिया नाम का बड़ा धड़ा है। अब ऐसे में जब 100 वोट हैं, पहले 100 वोट में क्या होता था कि
30% एक तरफ गए, 25% एक तरफ गए, 22% एक तरफ गए और 28% एक तरफ गए, 10% एक तरफ गए, ऐसा हिसाब होता था। अब मोटे तौर पर क्या हो गया कि 100 वोटर हैं तो मुश्किल से 8% या 10% या 12% वोट इधर या उधर जाएगा, यानी तीसरी जगह जाएगा। बाकी करीब 90%, 88%, 85% वोट या तो एनडीए के पास जाएगा या इंडिया के पास जाएगा। अभी जैसे हमने देखा उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में इंडिया को 43% वोट मिला और एनडीए को भी करीब करीब 43% वोट मिला। तो अब 30-32% से काम नहीं चलेगा। आपको किसी भी कीमत पर अगर बाइपोलर चुनाव लड़ रहे हैं तो 40-42% से ज्यादा या उसके करीब वोट लाना पड़ेगा। तो ये काम अपने वोट बैंक का विस्तार करके कर सकते हैं, जैसे कैचमेंट एरिया का विस्तार कर दिया। जैसे नदी है, नदी में जितनी सहायक नदियां जुड़ती चली जाएंगी, मेन नदी उतनी ज्यादा गहरी, उतनी ज्यादा प्रभावशाली, उतनी ज्यादा बड़ी और व्यापक होती जाएगी। ठीक इसी तरह राजनीति की भी ये नदी है, इसमें ब्राह्मण वोट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ आधार वोट से, जाति विशेष के वोट से और थोड़ा बहुत जो छिटका हुआ वोट होता है या मुंडेर पर दोनों तरफ पैर रखकर बैठा रहता है, फ्लोटिंग वोट होता है, अनडिसाइडेड वोट होता है, उसको आप, उससे आप चल नहीं सकते, आपको ये मजबूत करना पड़ेगा। तो इसीलिए अखिलेश यादव ने ये दाव चला है। ये कितना कामयाब होता है, कितना कामयाब नहीं होता है, देखना दिलचस्प रहेगा। माता प्रसाद पांडे की उम्र 81 साल है, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तब तक वो रहेंगे या इस बीच चेंज हो जाएगा, ये भी आज की तारीख में कुछ नहीं कहा जा सकता। पहली अग्नि परीक्षा तो 10 विधानसभा के उपचुनाव की है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।